नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज मैं आपको जैसलमेर में एक बहुत ही प्यारा टूरिस्ट स्थल है गड़ीसर लेक, इसको दिखाने लाया हूं। देखिए, वैसे तो यहां पर लाखों पर्यटक इसको रोजाना देखने आते हैं, लेकिन आज क्योंकि जैसलमेर में अभी पर्यटक काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं तो बहुत सारे पर्यटकों से बातचीत कराऊँगा और इस गड़ीसर का क्या महत्व है तो मैं आपको वो बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, पुराने समय में ये जो देख रहे हैं गड़ीसर झील, ये जैसलमेर के लोगों के लिए पीने के काम आती थी। इसके अलावा जैसलमेर में कोई भी पीने का पानी नहीं था और अगर जैसलमेर में ये झील नहीं होती तो शायद जैसलमेर भी नहीं होता। तो जब जैसलमेर की ये झील सूख जाती थी तो मजबूरी बस यहाँ के लोगों को पलायन करके सिंधु नदी के किनारे जाना पड़ता था, लेकिन जब तक ये झील भरी रहेगी तब तक यहाँ के लोग पानी पी सकते थे। तो वैसे तो जैसलमेर को एक डेजर्ट के लिए जाना जाता है, लेकिन डेजर्ट के साथ यहाँ पर अगर उनको बोटिंग करने के लिए झील मिल जाती है तो बहुत ही आनंद आता है। तो जैसलमेर में जीप सफारी, कैमल सफारी के अलावा इस डेजर्ट के अंदर इस विशाल झील में बोटिंग का आनंद लेते हैं। तो हमारे साथ जो पर्यटक हैं उनसे हम कुछ आपसे बातचीत करवाते हैं कि वो यहाँ पर बोटिंग करते हैं तो उनको कैसा लगता है। कुछ पर्यटक अभी आ रहे हैं और कुछ हमारे साथ खड़े हैं। आप कहाँ से आए? मुंबई से। मुंबई से आए, देखिए, और आज हमारे देश के कोने कोने से पर्यटक आए हुए हैं। तो आपको क्या अंदाजा था कि जैसलमेर में इतनी विशाल झील और हमें बोटिंग भी मिलेगी? आपने तो उम्मीद की होगी कि हम कैमल सफारी करेंगे, जीप सफारी करेंगे, तो इस इतनी विशाल झील देखकर आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कैमल सफारी और जो जीप सफारी वो तो कर ही ली है, तो हमें ये यकीन नहीं हो रहा था कि इतना पानी ऐसे डेजर्ट में भी हो सकता है। और ये देख के हमारे दिल में ऐसा होता है कि चलो कुछ तो अच्छा, कुछ अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। और अभी बोटिंग हम करने जाएंगे कुछ देर में, तो ये भी हमें आनंद यहाँ पे मिला। मतलब हमने कुछ सोचा नहीं था कि हमको डेजर्ट में आके ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आपको पता है ये गेट है, इसके बारे में आपको पता है क्या है? नहीं, बिल्कुल इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। गेट हमारी एक यहाँ की एक टीलू नाम की नर्तकी थी, उसका बनाया हुआ है जी। ओके ओके। टीलू का प्रोल भी कहा जाता है। और देखिए भैया, देखिए इतनी विशाल झील, आपने किला हवेली घूम लिया होगा, डेजर्ट घूम लिया होगा, यहाँ झील पर आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। रेगिस्तान सब विजिट करके आया, रेगिस्तान के नज़दीक में ही लेक है तो आश्चर्य है। तो देखिए, ये पहले पुराने समय में यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता था, ये पीने के काम आता था, क्योंकि नहर का पानी अब घर घर सप्लाई होने लगा है तो ये बोटिंग के लिए खोल दिया है। पहले ये बोटिंग का आनंद राजा महाराजाओं को भी नहीं मिलता था, उनको भी इस पानी में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज आम जो पर्यटक है इसमें बोटिंग कर रहा है। यही कारण है कि जैसलमेर का पर्यटन डेजर्ट के साथ साथ यहाँ पर झील देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बहन जी, आपको आपने बोटिंग कर ली क्या? अभी वेट कर रहे हैं, इसके बाद करेंगे। अच्छा, देखिए बोटिंग के लिए कितना एक्साइटेड है, पहले कभी बोटिंग की आपने? हाँ हाँ, कर चुके हैं। डेजर्ट में बोटिंग करने आप में अपने आप में कैसा है? नहीं, ये भी सोच भी नहीं था, पर अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और हम कर रहे हैं बस। और आपको मैं बताऊं, ये बहुत गहरी झील है तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखिएगा और एंजॉय जरूर करिएगा। कुछ बोटिंग करके आई, इनसे बात करते हैं। मैडम, आपने देखिए डेजर्ट के अंदर कैमल सफारी, जीप सफारी का आनंद लिया होगा, लेकिन बोटिंग करके आपको कैसा लगा? एक्चुअली आई एम नॉट डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। अभी कैमल सफारी करेंगे वो आपको बताएंगे बाद में, सो फिलहाल तो यही अच्छा लगा, इट्स नाइस एक्सपीरियंस। आपने सोचा था कि डेजर्ट के अंदर हमें ये बोटिंग करने का मिलेगा? नहीं, ये नहीं पता था हमें कि डेजर्ट के अंदर पानी मिलेगा, बट इट्स अ गुड नाइस, थैंक यू। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, और हमारे साथ इस समय जैसलमेर के एक पर्यटक गाइड है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश। मुकेश जी, जो गड़ीसर का महत्व तो किस प्रकार है जैसलमेर के लिए, थोड़ा सा बताइए। सर, एक मैनमेड के हिसाब से लेक बनाया 14th century में, यहाँ के जो राजा थे महारावल गढ़सी सिंह, जिन्होंने पब्लिक की डिमांड के ऊपर इस लेक का निर्माण कराया था। पूरा जैसलमेर ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से इसी लेक पर डिपेंड होता था, जो भी थोड़ा बहुत पानी स्टोकेज होता था यहाँ से लेडीज बाई हैंड 3 and 4 times पानी लेके जाती थी, क्योंकि पानी जैसलमेर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ करता, क्योंकि हमारा बारिश नहीं होता है, ड्राई पार्ट है पूरा। ये आर्टिफिशियल मैनमेड के रूप में राजा गढ़सी सिंह ने 14th century में 47
14 सेंचुरी से लगाकर 1974 तक पूरा जैसलमेर इसी तालाब पे डिपेंड रहता जाता कि हमारे फोर फादर वगैरह भी फोर मदर की भी हमारे यहाँ से पानी लेके जाती थी, बट आफ्टर 1974 जब हमारा इंदिरा गांधी कैनाल शुरू हो गया तो लोगों ने इसका पानी थ्रो कर दिया। आज भी इसकी ब्यूटी है, ब्यूटीफुल मंदिर बने हुए, सैनिटरी बनी हुई है जो रॉयल फैमिली के रिजॉर्टों के लिए, बैक साइड में बढ़िया गेट बना हुआ जिसको हम टीलो का प्रोल बोलते हैं, इसमें 10 फीट डिप्स किया हुआ है, इसमें जो पानी स्टॉपेज होता था वही पानी लोग रिसाइकलिंग करते थे, 3-4 टाइम यूज करना पड़ता था। ये एकमात्र तालाब था पूरे डेजर्ट में तो पूरे शहर की प्यास बुझा जाता। भैया बोटिंग करवाते हैं, भैया ये बताइए कि कितनी देर का ट्रिप होता है ये? इसमें बोट आती है दो, और एक है पैंडल बोट और एक है रोइंग बोट है। पैंडल बोट में लगता है 30 मील और रोइंग में लगता है एक राउंड 20 का या 25 मील का लगता है राउंड। पर्यटक जो है कौन सी ज्यादा पसंद करते हैं? ज्यादा तो रोइंग करते हैं, ज्यादा तो रोइंग वाली। उसमें आपको साथ में जाना? हाँ। पैडल वाली में आपको साथ जाना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जाते साथ में। तो हमारे पर्यटक देख रहे हैं कि डेजर्ट के अंदर यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, और रेट क्या है लगभग बताएंगे? रेट है 2 का 200 रुपए, 4 का 400, 6 का 600, 10 का 1000 रुपए। डेजर्ट के अंदर आप बोटिंग कर सकते हैं, और भी यहाँ पर घाट बने हुए हैं, इनका क्या महत्व है हम आपको वो दिखाने का प्रयास करेंगे। तो जो घाट हैं और मंदिर हैं हम आपको उधर लिए चलते हैं। जैसलमेर का सुंदर पिकनिक स्पॉट गढ़ीसर तालाब के पास मैं खड़ा हूँ। मेरा नाम सतीश शर्मा है, जो कि आपको गढ़ीसर तालाब के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसलमेर का गढ़ीसर तालाब महारावल गढ़सी सिंह ने 13वीं सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। जैसलमेर में हर समय यहाँ पे पानी की तंगी रहती थी, लोग बाग इजीली पानी भर नहीं पाते थे, 5-5, 6-6 किलोमीटर यहाँ से दूर जाना पड़ता था। शहर 8 बजे बाद बंद हो जाता था, तो औरतें सुबह प्रातःकालीन बेला में अपना श्रृंगार रूपी ड्रेसेस पहन के पणियारी रूप के अंदर क्या है कि पानी भरने को आती थी। और ये आसपास में जो जितनी भी बगीचियाँ वगैरह बनी हुई है, यदि 8 बजे बाद में शाम को शहर बंद हो जाता था तो लोग बाग इस बगीचियों के अंदर रहते थे। बगीचियों के अंदर क्या है कि न तो कोई गाड़ी थी, न ऊँट था, न घोड़ा था। लोग कभी कभी पद यात्रा से यहाँ आते थे, तो सुबह आते थे और मार्केट में अपनी खरीदारी करके दोपहर में आराम करके अपनी गांवों की तरफ लौट जाते थे। ये सुंदरतम गढ़ीसर तालाब आज एक टूरिस्टों का आकर्षण केंद्र है। यहाँ पे हजारों प्रकार के टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। और तो दोस्तों हम इस समय गढ़ीसर तालाब पर हैं और मेरे पीछे आप विशाल गढ़ीसर झील देख रहे होंगे, और हमारे साथ बहुत सारे पर्यटक हैं यहाँ पर। हम इनसे जानते हैं कि जैसलमेर में इतनी विशाल झील देखकर इनको कैसा आनंद आ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? हरी भाई। हरी भाई कहाँ से हैं आप? हम कच्छ से। अच्छा, कच्छ अंजार। अंजार से। हाँ। तो जब आप जैसलमेर आए थे तो आप तो डेजर्ट का सपना देखा होगा, किले हवेलियाँ देखने का सपना होगा, क्या आपको मालूम था कि जैसलमेर में इतनी विशाल झील भी है? नहीं ये मालूम नहीं था, पर ये आज पहली बार उसने बताया तो वो ये हिस्टोरिकल एक लेक है, मजा आया देख के ऐसा, जिसमें ऐसा कुंड बना हुआ है, ऐसे वो छतरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए वो बीच में देख रहे हैं। हाँ। वहाँ पर राजा महाराजाओं जब आते थे तो वहाँ बैठते थे, और वो डांस फ्लोर है, वहाँ पर नर्तकियाँ डांस करती थी। तो इस तरह से यहाँ पर मेले वगैरह भी होते थे, लेकिन ये जो खास है वो पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता था। और हमारे साथ और भी पर्यटक हैं, हम इनसे भैया से बात करते हैं। भैया थोड़ा सा हमसे बात करेंगे इधर थोड़ा मुख। हाँ भैया क्या नाम है आपका? अक्षय। अच्छा जी कहाँ से आए आप? जयपुर। जयपुर, देखिए ये राजस्थान के पर्यटक हैं इस समय हमारे पास। और आप बताइए, आपको पता था कि जैसलमेर में इतनी विशाल झील है? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा जयपुर, ये जैसलमेर, मगर पता नहीं था इतनी बड़ी झील है यहाँ पर। डेजर्ट का समुंदर है यहाँ पर, बहुत विशाल डेजर्ट है, लेकिन झील, इस साल बारिश अच्छी हुई है इसलिए इतना पानी भर गया है। अमूमन ये छतरियों के आसपास ही पानी रहता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो कैसा लगा, आपने बोटिंग वगैरह कर ली? नहीं अभी तो हम आए ही हैं। अच्छा आए ही हो, लेकिन सीधे झील पे आ गए आप? सीधे झील पर ही आए होटल से। गुड लक, आपका टूर बहुत ही अच्छा हो। आप कहाँ से आए? अंजार से, कच्छ। कच्छ। तो देखिए आपके आपके उधर गांव में ऐसी झीलें हैं वहाँ पर? नहीं नहीं ऐसी नहीं है। बोटिंग वगैरह कभी की है? हाँ वो की है। तो डेजर्ट में आपने अभी भी क्या क्या देखा? अभी हम पहला दिन ही है हमारा, और हमने सिर्फ ये पटवा की हवेली और सोनार महल देखा है अभी तक, और आगे हम सैम सैंड ड्यून्स जाने वाले हैं। अच्छा
फिर जोधपुर। तो सम के अंदर बहुत सारा, जैसे यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है ऐसे ही वहाँ पर विशाल रेत का समुंदर दिखाई देगा। तो रेत का समुंदर के साथ आप यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कैसा लगा ये झील देख करके? बहुत अच्छा लगा। और किला कैसा लगा? बहुत, वो तो बहुत ही अच्छा था, इससे भी ज्यादा अच्छा। और पटवा हवेली देख ली? हाँ, वो भी देख ली। वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी। तो जैसलमेर कुल मिला के कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो हमने आधा ही देखा है पर बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, जो वहाँ पर जीप सफारी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो जरूर करिएगा। धन्यवाद आपका और एंजॉय करिएगा। तो दोस्तों, इस समय हम जो खड़े हैं, ये अलग अलग घाट हैं, ये भी एक घाट है, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो अलग अलग समाज के घाट हुआ करते थे, बगीचियाँ हुआ करती थी। तो ये जैसलमेर का आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पर्यटक यहाँ पर बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।